हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं चने की दाल के स्वादिष्ट लड्डू, जिसमें हम बहुत ही कम घी तेल का यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप दले चने। इन्हें धो देंगे। अब इसमें पानी डाल के इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे चने अच्छे से भीग गए हैं, इनका पानी हम निकाल लेंगे। अब इन्हें हमें पीसना है, तो इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और इसमें पानी नहीं डालना है, इसको सूखा ही पीसना है। ये हमारा इस तरह से दरदरा पीस जाना चाहिए। ये हमारा पीस गया है, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे और इसमें जो ये मिक्सचर है इसको हम थोड़ा थोड़ा, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा इसे इसमें डालेंगे, ऐसे पकोड़े टाइप के बना के। ट्राई करना कि छोटी कढ़ाई यूज़ करें जिसमें कि तेल कम लगे। अब इन पकोड़ों को हमें अच्छे से तलना है दोनों तरफ से, सुनहरा भूरा होने तक। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं एक पैच को तलने में, तो मैंने 2 बार में ये तले हैं। अच्छे से दोनों तरफ से पलटते हुए इनको तल लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे। इनका स्वाद बूंदी के लड्डू की तरह होता है, लेकिन ये बनाने में बहुत ही इजी हैं। अब ये दूसरा बैच भी हमने अच्छे से तल लिया है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। जैसे ये पक जाते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अच्छे से पक गए। इनको मीडियम फ्लेम में ही पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। और दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिए सारे हमने तल दिए हैं। अब हमें इन्हें पीसना है, तो हम उससे पहले चाशनी बनाएंगे इसके लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी और उसमें चाहिए 1/2 कप पानी। अब इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, जो मैंने चीनी के साथ ही पिसा हुआ है, और थोड़ा सा केसर डालूंगी मैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम इन पकोड़ों को, जो हमने पकोड़े बनाए थे, इनको इस तरह से दरदरा सा पीस लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी चाशनी भी रेडी है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस जैसे शहद का टेक्सचर होता है उसी तरह का हल्का चिपचिपा टेक्सचर होना चाहिए। देखिए हल्का सा तार बनना चाहिए इसमें, और हमारी चाशनी रेडी है। चाशनी अगर गाढ़ी हुई तो फिर अब लड्डू बनाने में हमें परेशानी हो सकती है, तो चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम, जो हमने ये पकौड़ों को पीसा था, इनको हम चाशनी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हो। तो मैंने मगज़ डाला है, मगज़ को मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था, जिससे वो हल्के से क्रिस्पी हो गए। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मैंने काजू को भी 20-30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख लिया, जिससे ये भी अच्छे से भुन गए। अब इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो किशमिश डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अभी ये गर्म ही है, तो इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी से इसमें बहुत ही अच्छा ग्लेज आएगा और टेस्ट आएगा। हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसके, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो इसके हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते हुए इनके हम लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना इजी है बनाने में, और ये खाने में लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं। ऐसा लगता है बूंदी के ही लड्डू खा रहे हैं हम।
और कोई बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है लड्डू बनाने का। अब बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे और इसके ऊपर मैं काजू लगा दूंगी डेकोरेशन के लिए। और ये हमारे सारे लड्डू तैयार हैं, तो आप भी इन्हें ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।